उत्तर प्रदेश के उमेश पाल अपहरण केस में सजा पाने के बाद माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसके बाद से अतीक को गुजरात की साबरमती जेल पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के उमेश पाल अपहरण केस में सजा पाने के बाद माफिया अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल पहुंचाया गया, लेकिन अब अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज जेल लाया जाएगा। जी हाँ, बताया जा रहा है कि माफिया अतीक एक बार फिर से साबरमती टू प्रयागराज की प्रिजन जर्नी पर निकलने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कभी भी प्रयागराज पुलिस साबरमती जेल पहुंच सकती है। अतीक अहमद के लिए अचानक फिर से प्रयागराज आना बहुत मुश्किल भरा सफर साबित होने वाला है। अतीक अहमद पर मौत का वही खौफ एक बार फिर से हावी होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीक अहमद 26-27 मार्च को प्रयागराज पुलिस के साथ साबरमती से प्रयागराज की यात्रा पर जितना ज्यादा खौफ ज्यादा हुए, शायद 44 साल के आपराधिक जीवन में उतना कभी नहीं हुए होंगे। पहले तो वह पुलिस की प्रिजन वैन में बैठने को तैयार नहीं हुए। बड़ी मुश्किल से पुलिस अधिकारियों ने वैन में चढ़ाया। पूरी रात रास्ते उन्हें मौत का भय ही सताता रहा। जब भी वैन ज्यादा तेज या धीमी होती तो चिल्लाकर कारण पूछने लगे। प्रयागराज में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में वकीलों के हाथों बेइज्जती और उम्र कैद की सजा के सदमे से अतीक अहमद का ब्लड प्रेशर सामान्य हो, इससे पहले ही अतीक अहमद को दूसरा शॉक लगने वाला है। शॉक तब लगेगा जब उसे यह पता चलेगा कि 26 मार्च की तरह एक बार फिर प्रयागराज पुलिस साबरमती जेल पहुंच चुकी है। वैसे भी अतीक अहमद का स्वास्थ्य काफी ज्यादा खराब चल रहा है। बैरक के अंदर उसके बेहोश होने की खबरें सामने आ रही है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में सीजेएम कोर्ट ने अशरफ को जुडिशियल कस्टडी में लेने के आदेश को लेकर प्रयागराज पुलिस बरेली जेल पहुंच चुकी है। उसी उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद मुख्य आरोपी है। सीजेएम कोर्ट में अतीक अहमद का भी जुडिशियल वारंट जारी होने वाला है। साबरमती जेल से प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में पेश करने की हूबहू वही प्रक्रिया है। ऐसे में अतीक अहमद को फिर से प्रयागराज लाया जाएगा। वहीं अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को शनिवार को बरेली जेल से प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी, जहां उमेश पाल हत्याकांड के जांचकर्ता पूछताछ के लिए अशरफ की कस्टडी की रिमांड ले सकते हैं। वहीं अगर शनिवार को प्रयागराज पुलिस अशरफ की कस्टडी रिमांड पाती है तो इस दौरान उससे गहन पूछताछ की जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े बहुत से सबूतों और आरोपियों के छिपने के बारे में जानकारी मिल सकती है। साथ ही अतीक और अशरफ के कार्यालय से बरामद करीब 74 लाख रुपए और 10 असले के बारे में भी पुलिस को जानकारी या सबूत मिल सकता है। खैर, अब देखने वाली बात है कि उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है। इस वीडियो